यू। चलिए लो हम लोग थैंक यू मार्केट सर। को देखते हैं। वार्म वेलकम फॉर यस एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन मार्केट आउटलुक। और 5 स्टॉक को हम लोग लेके चलेंगे, ढूंढ के ले जाएंगे, जो कि हम 5% विनिंग करने वाले हैं। तैयार है उसके लिए आप लोग? यस सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया। लेट्स सी निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी अभी क्या करना चाहता है, कहाँ पर है, क्या मार्केट बोलना चाह रहा है। देखो ये हमारे ये बड़े चार्ट से, बड़े चार्ट आपके सामने बहुत क्लियर कट मैसेज मिल पा रहा है हमारे को, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में हमारे में कुछ वीकनेस नहीं है। देख पा रहे हैं आप लोग? लास्ट वीक डॉजी था, इस वीक हमारा क्लोजिंग देखते हैं ऑलमोस्ट। अगर देखते हैं तो अभी हम लोग लास्ट वीक को जो बियर्स की जो फाइट थी, बुल्स ने उसको ओवरटेक कर लिया है। मतलब एक इम्पोर्टेंट लेवल था, अब वहां पर टॉप पर वो एक नजर आ रहा है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में कोई बड़ी गिरावट आने वाली है ऐसा कुछ नहीं है चार्ट पे। ये बहुत क्लियर कट है, यानी कि जो हमारे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो हैं उसको मैं ना डरने वाली कोई बात ही नहीं है। छोटे छोटे करेक्शन आते रहते हैं, उनको हम देख पाएंगे। वीकली में आते हैं हम लोग, वीकली चार्ट्स देखते हैं क्या मैसेज मिल पा रहा है। यस, वीकली में ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा। ओके, जो उसकी वैल्यू थी 22124, 22124। यानी कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि इस वीक में जाके उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। यानी कि मार्केट में कुछ वीकनेस नहीं है, जो हमारे चार्ट है, चार्ट ही हमारे भगवान है। यानी कि अब हमारा 22124 एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है, एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है। तो उसकी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, अभी मार्केट अभी कहाँ पे क्या कर रहा है, उसको मैं डेली पे लेके आ रहा हूँ। डबल टू वन टू फोर, यानी कि अभी नेक्स्ट वीक में हमको जो ऑब्जर्वेशन का देखना है, यानी कि 22124 के ऊपर हम लोग हैं और वो एज ए सपोर्ट का वर्क कर पाएगा। यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आता है, लेकिन ये हमारे एज ए सपोर्ट का काम कर पाएगा। हाँ, अगर 22124 के नीचे हम फिसल आउट होते हैं, तो यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो फिर ब्रेक हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट वीक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मिल पा रहा है। 22124 हमको देखना है, ऐसे सपोर्ट का वर्क करने वाला है। यानी कि मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है, वीकनेस आएगी तो हम भी वीक अपने उस अकॉर्डिंग में मूव कर जाएंगे। यानी कि हम बड़े टाइम फ्रेम में कोई वीकनेस नहीं है, वीकली में भी कोई वीकनेस नहीं है। जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था 22124, उसको इस वीक में एज ए रेजिस्टेंस को ऊपर निकल गया, सपोर्ट बन गया। नाउ ऑप्शन चेन में देखते हैं, ऑप्शन चेन में हमको क्या मैसेज मिल पा रहा है, ऑप्शन चेन में मार्केट क्या हमको मैसेज दे पा रहा है, कहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है। nseindia.com, मैं ऑप्शन चेन पे आ जाता हूं। या
ये इस मंथ के जो एक्सपायरी को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे को लेफ्ट साइड में कॉल्स को देखते हैं। सबसे ज्यादा अपन इंटरेस्ट है हमारा 22,300, और सेकंड नंबर पर आ रहे हैं 225,500। 22,300 ये हमारा रेजिस्ट्रेशन का वर्क करने वाले हैं। और सपोर्ट्स की साइड चलते हैं। ओके, 22,000, यानी कि ऑप्शन से जो हमको लेवल निकल के आ रहे हैं मार्केट इस वीक में, नेक्स्ट वीक में कहाँ रहने वाला है वो हमको मार्क कर लेते हैं। वीकली का चार्ट से है या ये हमारा एजुकेशन का ट्रीटमेंट है नीचे से सपोर्ट का, यानी कि नेक्स्ट वीक में ये हमारे पास एक मैसेज मिल पा रहा है, हम लोग इस रेंज के अंदर रहने वाले हैं। यानी कि 22,300 के ऊपर हमारे एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, और 22,000 पे सपोर्ट का वर्क कर रहा है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा ना, 22,300 पे जाए वहां से एक प्रेशर बिल्डअप हो पाया। तो आपको हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए गाइस? अब हमारे को नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, यानी कि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आता है 22,000 के आसपास आता है, तो हमको अपने लॉन्ग को प्लान करना चाहिए ट्रेड को। और इस बारी जो एक्सपायरी होने वाली है हम लोग इसी बैंड के अंदर, यानी कि 22, जो हमारा जो की पॉइंट निकलता है 22,124, हम उसके नियर बाई बंद होने वाले हैं। जो हमारी एक्सपायरी होने वाली है, जो डाटा को मैं देख पा रहा हूँ, यानी कि 22,124 के नियर बाई हम लोग बंद होने वाले हैं, प्लस माइनस 10-20 पॉइंट्स। ये एक सिनेरियो लेके जाने, यानी कि कमिंग वीक में भी हमारा ना मार्केट एक साइडवेज चलने वाला है, ना ज्यादा ऊपर जाएगा ना ज्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि हमारे लॉन्ग चार्ट्स में मैसेज है कोई वीकनेस नहीं है। वीकनेस नहीं है तो नीचे जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, और ऊपर जाने के लिए एक रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर भी अभी ऑप्शन चेंज से इंडिकेशन मिल पा रहा है हम ऊपर भी नहीं जाने वाले, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज चलने वाला है। हाँ, मार्केट हमारा 20,000 के आसपास आता है तो हमें वहां पे लॉन्ग को प्लान करना चाहिए। ये हमारा कंक्लूजन है फॉर द नेक्स्ट वीक। क्लियर गाइस? गुड 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 गुड। नाउ आपके स्टॉक्स पे आते हैं। आशुतोष, मैं आपके स्टॉक से चालू करता हूँ, बताओ क्या कौन सा स्टॉक है इस पर काम किया। यूएफओ मूवीज, यूएफओ मूवीज। ओके, कैन यू पुट डाउन द चैट बॉक्स, चैट पर डालिएगा। हाँ बिल्कुल सर। आप सभी लोग ना एक एक स्टॉक डाल सकते हैं, उसको हम देखते हैं, राइट? अच्छा, तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? ईएफओ इसके अंदर सर मूवीज जो आपका स्टॉक है, सर 8 8 ईयर्स मंथली में सर, नहीं आपको किसमें क्या मिला मैसेज, क्या मिल पा रहा है स्टॉक के अंदर? बुलिश। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। ये देखो, ये एक तरीका हमारे जो कहते हैं चार्ट वैलिडेशन में, इस चार्ट को हम नासा भी को देखिएगा, कुछ मैसेज दुबका हुआ है। आप लोग उसको फील कर पाएंगे ना, उसको चार्ट को खोल के देखेंगे ना, उसमें क्या होने वाला है, उसको वो ही आर्ट है। अगर उसको फील कर जाएंगे तो आपको बड़ा गेन कर पाएंगे। इस चार्ट में सभी लोग ना एटलीस्ट 1 मिनट के लिए देखेंगे सभी लोग।
आप लोग ना एक मिनट के लिए सब लोग अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको बंद करके इस चार्ट पे फोकस करेंगे आप लोग। गाइस सबसे एक तो कैमरे ऑन कर लीजिए और उस चार्ट को ना आपको ना डेडिकेटली 1 मिनट तक देख रहे हैं। मोबाइल अगर कर रखा है उसको बंद कर लो। देखो यहीं से मैजिक होने वाला है। मतलब चार्ट्स बोलते हैं वो हम देखते हैं कैसे बोलते हैं, राइट। आप सभी फिर अपने ऑब्जर्वेशन देने वाले हैं चार्ट को देखने के बाद, राइट। आपको जो प्राइस बिहेवियर है ना लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे स्लो स्लो और बहुत एक मैसेज मिल पा रहा है चार्ट में, उसको देखिएगा क्या मैसेज मिल पा रहा है यहाँ पर। राजीव आपको क्या नजर आ रहा है? राजीव आप स्टार्ट करेंगे? सर एक तो इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है ओके और दूसरा सर इसमें बीच बीच में इसी प्राइस पे जो शार्प फॉल आया है 600 से लेके 50 रुपये पे सीधा, ओके तो हो सकता है इसमें आने वाले टाइम में एक्शन रिएक्शन वाली थ्योरी काम करे। ओके हीना मैम आप क्या क्या रीड कर पा रहे हैं चार्ट में, क्या नजर आ रहा है आपको? सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये काफी काफी मंथ से बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ये लास्ट मंथ की कैंडल वाज विद गुड वॉल्यूम, तो इसमें चांसेस हैं कि ऊपर जाएगा। काइंड ऑफ ब्रेकआउट इसने बहुत टाइम से ये जो लेवल फॉलो करा था जो जोन में था वो जोन से बाहर आया ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनील आपका क्या ऑब्जेक्शन है? सुनील सर पहले जैसे साइड में चल रहा था तो अभी इसमें जैसे बड़े फंड हाउसेस ने पैसा भी डाला है और बुलिश में है ये। आशुतोष जी सर, और अगर हम पीछे 2-3 साल से देखें तो इसमें कोई मतलब सेलिंग ज्यादा नहीं हुई है, बाइंग ही चल रही है। बहुत बड़े सुनील एक अच्छा पॉइंट निकाला है इसमें। 2-3 साल से यानी कि वो नीचे नहीं बाइंग जा रहा, ज्यादा हो उल्टा रही है। उल्टा बाइंग ही आ रही है, बार बार नीचे आता तो बाइंग आ रही है, राइट। जी सर, गुड। आशीष आप बताइए आपने क्या रीड कर पा रहे इसको? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जो राजीव जी ने बताया कि सर 650 से नीचे आया है और कहीं भी उसमें अपवर्ड मूवमेंट्स नहीं आया। दूसरा वॉल्यूम्स है और साइडवेज चल रहा है 4 साल से सर। अब आई थिंक 154 का जो ब्रेकआउट पॉइंट है जो 2020 में दिया था उसने, उसको फाइनली उससे बाहर निकला है और वॉल्यूम के साथ निकला है और सेलिंग बिल्कुल नहीं हुई है पिछले 2-3 सालों, 1.5 सालों में। वाओ देखो आप तो सब मास्टर बन गए, मतलब चार्ट बोलना चालू कर रहा है। क्यों हीना हीना मैम लग रहा है चार्ट बोल रहा है कुछ? क्यों बोल रहा है सर देता नहीं है कभी, मुझे यही प्रॉब्लम है बस। no?
बस अब लोग, मैंने वही ना, हम चार्ट को अगर देखना चालू करेंगे तो चार्ट भी हमसे बोलना चालू कर जाएगा। यानी देख मैजिक हो पा रहा है ना, हम लोग चार्ट को देखा, चार्ट ना कुछ कहना चाह रहा है और हम कंबाइंड बैठते हैं तो कंबाइंड एनर्जी मिल जाती है, राइट? विकास आप कुछ शेयर करना बिल्कुल चाहोगे? विकास, अनिल सर, गुड मंदीप, इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। या हाँ सर, सॉरी मैं आज कैमरा ऑन नहीं और कोई बात अनाउंस नहीं, कोई कर बात पा नहीं। रहा हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है सर। या हाँ सर, ये इसमें वो MRF वाला पैटर्न भी आ रहा है, 4 साल से स्टॉक एक रेंज में चल रहा है या और अब सबसे बड़ा बुलिश एक्शन 4 साल के बाद इसमें देखने को मिला है विद वॉल्यूम। और बिल्कुल जो बातें सर बाकी सभी ने बहुत अच्छी पकड़ी हैं कि ट्रेंड भी इसका चेंज हुआ है और जो एक्शन रिएक्शन है वो भी यहाँ पर पॉसिबल है, तो या बुलिश एक्शन सर इसमें शुरुआत आ चुकी है। बहुत बढ़िया। देखो एक चीज समझने वाली है, इसने हाई कहाँ बनाया, ये हमारा ऑलमोस्ट 600 पर, देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर, और उसके बाद क्या हाल हुआ, ये कहाँ पे आ गया, सीधा 50 रुपए फिफ्टी पर, देख रुपीज पा पे रहे हैं? बिल्कुल और यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आया कब था, ये ऑलमोस्ट देख लो, इसके एग्जैक्ट डेट भी देख लेते हैं। जून 20 में, सही है? और देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास होने को आया, प्राइस एक बेस को बना बना गया। इतना फॉल होने के बाद गिरना होता तो गिर जाता, यानी सही बात है। यानी कि आप कभी भी ये 50 रुपए के आसपास, मतलब ये 63 के आसपास आता है, 60-70, इसको बाइंग करना ही है हमारे को। अगले 1-2 साल की आप आगे की जर्नी की बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि कंपनी अगर काम नहीं कर रही है पर उसकी कोई एसेट्स वैल्यू है, मार्केट की अपनी कुछ वैल्यू है, एसेट्स है उनकी वैल्यू है, तो वहां पर एक वैल्यूएबल बाइंग नजर आ रहा है, जो कि फंड्स, जो हाउस, जो बिग मनी है उसको यहाँ पर डंप कर रहा है, पैसे को डाल रहा है। और ये हमने एक, मैंने रेंज निकाल लिया जो कि एक इम्पोर्टेंट रेंज होगी, काफी टाइम से इस रेंज के अंदर ये मूव कर रहा है। अब मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, पर ये एक हमारा 50-100 वाली एक रेंज में काफी टाइम चला है, ऑलमोस्ट 3.5 साल के, हाँ 3.5-4 साल चला है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रेंज है। तो उस रेंज से निकल के अब लास्ट मंथ में एक बहुत अच्छा कैंडल फॉर्मेशन मिला है, और इसका मिनिमम जो टारगेट मैं देख पा रहा हूँ, अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी को अप्लाई कर लेते हैं सिंपल सा, देखो ये तो क्लियर कट, अब नीचे तो जाना नहीं है, तो नीचे ये नहीं जाना, तो इसका जो पहला टारगेट हमारे पास जो निकल के आ रहा है, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, 38% तक इसका रीच करने, ये दो हमारे पास टारगेट निकल के आ रहे हैं। पहले टारगेट के 189 के ऊपर जब क्लोज होगा तो फिर अगला टारगेट ये निकल के आने वाला है। अभी हम लोग 154 पे चल रहे हैं, यानी कि ये नीचे आता है ना, 140 पे आता है, 130 पे आता है, इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसे हमें छोड़ना नहीं है। और ये ऑलमोस्ट 4 साल का बेस बन गया है, तो इसको हम जो एक्सपेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर मूवमेंट्स को, इसको 272 तक हम देख पाएंगे फ्रॉम द करंट लेवल। टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए या एक सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक और भी देखिएगा आप लोग, मैं कहता हूँ एक्शन इनटू रिएक्शन, थर्टी लेवल को मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाके ये कंप्लीट हो पाएगा, एक तरह का हमारा एक कप की फॉर्मेशन भी बिल्डअप हो पा रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन बन पाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर तो हम आगे तक के मूव को बना सकते हैं। आगे क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, गाइस एक पहला स्टॉक आपके हाथ में आ गया है और आप उसको एक्शन ले सकते हैं, राइट?
और उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये हमारा वीकली कह रही है, इससे लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला आपको। क्लियर? बहुत बढ़िया आशुतोष, बहुत बढ़िया, पहला स्टॉक हमने लिया। राजीव आपका कोई स्टॉक? सर ए डब्ल्यू AWL ए डब्ल्यू एल या सर चैट्स पे डाल दिया। ओके। ओके गुड गुड गुड। देखो ज्यादा ये पुराना स्टॉक नहीं है, लिस्टेड नहीं है ये, यहाँ पर हमारा जो ओपन हुआ था और ये हमारा बेस बन गया है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट लेवल ये या सर जो हमारे एक्शनेबल पॉइंट बनने वाला है ये वीक, यानी कि ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे हम बात करते हैं, ये 390 चल रहा है। अगर एटी पे बंद होता तभी जी भी, एटी पे बंद होता तभी भी हम लोग बुलिशनेस नजर आ रही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इस ये मंथली बेसिस पे ही हम लोग वर्क कर लेते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, कैंडल का लो का रहने वाला है, यानी कि 328 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो हमको एंट्री अपनी बनानी है इस स्टॉक के अंदर, ये हमारी एंट्री करनी चाहिए। क्लियर बिल्कुल गाइस? सर। बहुत बढ़िया। हिना टारगेट क्या रखेंगे आप? हिना जी हाँ जी सर, टारगेट क्या? टारगेट प्रॉब्ली अबाउट 400, 400 450। 450। ओके सुनील, आप क्या लगाओगे टारगेट? राजीव, जी आशुतोष, सर, आप क्या सर फाइव टारगेट हंड्रेड पे जो लगाओगे? कैंडल, 500 पे जो कैंडल आ रही है सर, वो जो 500 ये या ऊपर वाला 500 वाला, ये वाला सर। जी सर। ओके। हाँ जी सर। और कोई? बस अभी तो इतने में निकल जाएंगे। फिर तो ओके सर वही वाला कैंडल है, 850 वाला। साढ़े साढ़े 800 कौन लेने को तैयार है? इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेंगे थोड़े से शेयर्स। सर सभी तैयार है सर। गुड गुड, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। देखो हमको ना अपनी बुकिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, राइट? हाँ जी एंट्री तो हमारे बहुत बढ़िया मिल रही है, सही है। बिल्कुल। अब यहाँ पे चीज समझने, एक साइकोलॉजी को समझने वाली है बात। ये ज्यादा पुराना नहीं है, अभी नया है, सही है। हाँ जी और जिसको जो जो मैंने ये बॉटम पे मार्क किया है, ये जो लाइन बॉटम की हमारी मार्क करी है मैंने, ये वाली देख पा रहे हैं, ये वाली 362, यानी कि इसके नीचे जब भी प्राइस आ रहा है वहां से ना एक बाइंग जनरेट हो पा रही है, सही है। देखा आपने, बिल्कुल बिल्कुल हो रही सर। सर एक बड़ा फॉल, एक अच्छा बड़ा फॉल हुआ हुआ हम देख पा रहे हैं, हाँ जी इससे नीचे गया लेकिन आके यहाँ पे बंद हो गया, यानी कि कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ढूंढ लिया यहाँ पे, कोई यानी कि प्रमोटर बैठे हुए हैं, वो ही पैसा डालने को तैयार हो रहे हैं, सही है। बड़ा इन्वेस्टर है तो उसको अच्छा लग पा रहा है, बिल्कुल। तो इसके नीचे नहीं गया तो हम हमने ढूंढ लिया, और हम लोग इस वीक में इस ऊपर आके बंद हो गए। हमको यहाँ पे मतलब ये पूरा हमारा ऑलमोस्ट ये 362 से लेके 390, ये पूरा हमारा बाइंग एरिया हो गया। अगले एक मंथ को भी ले बात कर ले, जो भी कुछ है स्टॉप लॉस हमने डिफाइन ये कर दिया, राइट।
और जो हमारा जो टारगेट है 500 का टारगेट है, अपने हम आराम से रख के बैठेंगे आराम से, ये 1:3 का ट्रेंड हमारे हाथ में आ गया है, राइट। बिल्कुल अब आया गया जो, अब हमको आ तो गया, लेकिन जब 500 पे आएगा तो हम आधा तो वहां बुक कर लेंगे, आपको 40% 50% बुक कर लिया, और बाकी रिमाइंडर को हम स्टॉप लॉस को उठा के ऊपर लगा देंगे, सही है, अपने प्रॉफिट के अंदर से 445 पर लगा देंगे और उसको फिर राइड करेंगे। देखो बड़ा प्रॉफिट लेने भी आर्ट है, 800 भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, तो लेकिन हमारे को उसको लेने के लिए हमारे को क्या करना है, अपने प्रॉफिट को लॉक भी करते रहना है, अपने प्रॉफिट को लॉक भी करते रहना है, ऊपर आके फिर लॉक करते रहना, राइट। बराबर राइट एक्चुअली हमें लगता है कि इसको लेके छोड़ देंगे चला जाएगा, प्रॉफिट को लॉक भी करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर, अभी जैसे 500 पर हमने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, तो फिर उसका स्टॉप लॉस 445 पे लेके आना है कि 500 पे लेके आना है दूसरा, उसके बाद 50% तो का बाकी है? उसका जो मंथली कैंडल पे आ जाओ ना, जो हमारा मंथली हाँ कैंडल है हाँ उसके जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस, सिंपल सा लॉजिक, तो आराम से आ बराबर जाओ। आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, राइट। देखो दो स्टॉक पे हमने हाथ लगा और दोनों में ही हमारे को कुछ ना कुछ मिल गया, यानी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजीव ये तो आपके स्टॉक है एसबीआई ना? कार्ड पे देखिए सर, एसबीआई हाँ जी कार्ड पे। सर, राजीव सर आप, आइडिया देखिए, आइडिया में भी मिल रहा है। हाँ राजीव आपको क्या इस स्टॉक में क्या नजर आ रहा था पहले? सर मुझे ये समझ में आया, इसमें एकदम तेजी से वॉल्यूम बढ़ा और जो है काफी दिनों से स्टैगनेंट पड़ा हुआ था ये, मेरे पास ऑलरेडी पुरानी होल्डिंग्स है इसलिए मेरे को ध्यान देना पड़ रहा था उसके ऊपर, तो जो है वो काफी दिनों से एज इट इज पड़ा था, वो डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब जो उसका ट्रेंड चेंज हुआ और मुझे ये दिखाई दिया कि अभी मूवमेंट इसके अंदर आ रहा है। इससे पहले भी अपने ने डिस्कस किया था शायद एक 1.5 महीने पहले। गुड गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि अब यही पावर है, हम लोग आगे क्या हो रहा है इस पर बिलीव करना है, क्या करना है। हीना आपका कौन सा कोई स्टॉक है? हीना जी पीएल पीईएल जी पिरामल। हेलो, नमस्ते या मैम, हाँ कैसे निया मैम, हैं? बहुत बढ़िया, हाँ जी, कैसे हैं मैम? नमस्कार। नमस्कार। पहले जिनके कैमरे ओपन है पहले उनके स्टॉक में ले रहा हूँ। मैं क्या उस दिन मैसेज देखा, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। मैं क्या ऑफ वाले दिन ही छुट्टी होगी, उस दिन बात करूंगी आपसे। एक्चुअली रिन्यूअल के लिए बोला था ना आपने, तो वो थोड़ा देख रहे थे। हाँ, थोड़ा इस टाइम फाइनेंशियली थोड़ा हो रहा था प्रॉब्लम, थोड़ा सा ना, हीना मैम थोड़ा कहने जा रहे फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इस टाइम थोड़ा, तो यस इसलिए सर, मैंने आपको कॉल नहीं किया था। इस वो स्टॉक में आपका कहने मैं जा रहे करा हो नहीं पाई ना अपना दोबारा रिन्यूअल। हीना सर मैम मेरे को कहने, बोले आपको कहने जा रहे स्टॉक में नहीं, हीना मेरे तो माइंड में आता है मैम। हाँ, मेरे माइंड में चीज तो आती है मैम। निया मैम, हाँ हीना जी कहने जा रहा है आपके स्टॉक में। सर बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है ये मंथली इसमें। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइक है, लर्निंग लेसन है ये। देखो अच्छा फॉल देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सर, इतने बड़े फॉल के बाद एक हमारा भी छोटा सा कैंडल यहां मिला, मंथली है, उसके बाद अगले मंथ फिर मिला, यानी फर्स्ट मंथ तो हो गया पर सेकंड मंथ में जब ये मिला तो हमारे को ना माइंड में एक क्लैरिटी आनी चाहिए, इतने बड़े फॉल के बाद हमारे को यहाँ कुछ एक ना एक कुछ मोमेंट नजर आ रहा है बुल्स का, तो यानी कि ये जो वहां पे मैं मार्क कर लेता हूँ उस लेवल पे, यानी कि इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ पे किसी का मोमेंट आ रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल जाता है, इस मार्केट के नीचे जाएगा नहीं, अब ऊपर गया नीचे गया यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं जो भी मूवमेंट हुआ, तो इस इम्पोर्टेंट लेवल को मैं मार ढूंढना है, मार्केट क्या चल पा रहा
जो हमारी थ्योरी है उसके बेसिस पे। देखो ये कितना क्लियर कट हमको मैसेज मिल गया, देख पा रहे हैं आप लोग, यानी कि ये हमारा अपना, हमें वीकली पे जाने की जरूरत नहीं, मंथली पे ही हमको इतना मिल पा रहा है। 1 2 3 3 मंथ तक प्राइस जाके वहां पे रुक पा रहा है। डॉजी, फिर डॉजी, फिर एक थोड़ा सा एक स्मॉल डॉजी फॉर्मेशन है, और ये हमारा 1100 ही निकल के आ रहा है। सिंपल सा, इस मंथ का जो भी हमारा ये लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। इस ट्रेड के लिए हमारे को प्लान कर सकते हैं, यानी कि 837, 837। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हमारी एंट्री क्या है, 900 या 870 तक जो भी आता है वो हमारे एंट्री वाला पॉइंट है, और टारगेट हमारा 1100। तो ये एक अच्छा एक ट्रेड हमारे सामने रखा हुआ है, ऑलरेडी है। तो ये 1:2, मतलब यहाँ पे भी लेते हैं 1:2 का ट्रेड मिल पा रहा है, थोड़ा नीचे आता है तो और अपने आरआर इंप्रूव हो पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग इसमें एक्शन ले सकते हैं गाइस। ओके गुड। देखो ये भी एक आइडल केस है, नीचे गिरना होता था लास्ट 3 मंथ से, देखिएगा 1 2 3, यानी कि नीचे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो हमने मार्क किया, अपना मैजिक लाइन मार्क किया है ये वाला 864, वहां पे ऑलवेज ना एक अच्छी बाइंग जनरेट हो पा रही है। तो ये हमारा एक बाइंग जनरेट, यानी कि अगले एक आध मंथ में भी प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो हमको उसको बाइंग भी करना है, और हमारा ये पहला टारगेट रहने वाला है। और एक चीज मेरे को यहाँ पे और भी नजर आ रही है, आप भी देख पाएंगे। अल्टीमेट इसको ना ये ऐसे ही मूव होके जाने वाला है, एक डब्लू की फॉर्मेशन हमको बिल्डअप हो पा रही है। सुलो 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 करके। तो पहला 11 है, और इस ट्रेड को भी हम आप लोग ना 1500 तक प्लान कर सकते हैं। 11 के अंदर 50% बुक करके इसको आगे ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ना इस टाइम बड़े चार्ट्स में कुछ वीकनेस नहीं है। जैसे हमने निफ्टी देख रहे थे ना, उसमें अभी वीकनेस नहीं है, अभी टोटली लॉन्ग टर्म में आ रहा है। तो यानी कि इस रैली को हम अच्छी राइड भी कर सकते हैं। क्यों मैं वहां पे लेके जाने के, हाँ अगर हमारा निफ्टी 2 3 मंथ में वापस वो 1224 के नीचे आता तो हम भी रुक जाएंगे, बड़े टारगेट को प्लान करेंगे। लेकिन वहां से मैसेज मिल पा रहा है, तो यानी कि एक रैली को हम बड़ा प्लान भी कर सकते हैं। ये हमारा निकल के आ रहा है कंक्लूजन। सर SBI कार्ड देख लीजिए। देख लेते हैं अनिल सर कहाँ लेके जा रहे हैं SBI कार्ड को। अनिल सर नवंबर दिसंबर में भी इस पे काफी वर्क हुआ था। अच्छा, नहीं अभी अभी आप उसको कहाँ लेके जा रहे हो, ये ऊपर ही जाएगा सर, ऊपर ही जाएगा। मेरे हिसाब से 799 के आसपास जाना चाहिए। देखो हमारे चार्ट भी कह रहे हैं, आप कह रहे तो हमारे चार्ट भी कह रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। तब ये आपने 745 की रेजिस्टेंस बताई थी, इट वाज इन नवंबर। परसों ये काफी ट्राई कर करके फिर वापस आ गया वहां से ओके सेवन गुड फोर्टी फाइव से। गुड 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 या हाँ, देखो ये हमारा ट्रेड सेटअप निकल के बन के आ गया आप लोगों के सामने, देख पा रहे हैं हम लोग। देखो मंथली बेसिस पे ही हमारे को ये क्या मैसेज मिल पा रहा है यहाँ पे आपको, हीना मैम, निया मैम, ये क्या मैसेज मिल पा रहा है यहाँ पर। सर हीना बुलिश जी आपको,
सर यही बुलिश पैटर्न बोलने वाली थी मैं, हरामी बुलिश वाला पैटर्न बन रहा है ना ये। राइट राइट राइट, हमारी मैजिक लाइन के ऊपर बन रहा है, हमारी मैजिक लाइन के ऊपर, राइट। यस सर। और टारगेट हमारे को 850 नजर आ रहा है, यानी कि 1:3 का ट्रेड, मतलब मोर देन 3 टाइम का हमारे पास ट्रेड ऊपर। और इनफैक्ट ये ट्रेड यहीं तक का नहीं है, ये 900 तक के, अगेन दिस इज गुड ट्रेड, अगेन ये हमारे पास ऑलरेडी तैयार खड़ा हुआ है, हम इस पर एक्शन कर सकते हैं। ओके गुड, SBI कार्ड अनिल सर, बहुत बढ़िया, ये रेडी है अपने अच्छे मूव के लिए, ये जी वर्ष सर, 1:3 1:4 टारगेट के लिए आप लोग इसमें एक्शन कर सकते हैं, यानी कि इस मंथ का जो लो है हमारा वही स्टॉप लॉस है। देखो हम भगवान जी नहीं है, सर, पर हमारे को अपनी वॉकिंग करते रहना है और सेफ्टी हमारे को करनी है, यानी जिस रीजन से हम ले रहे हैं अगर वो आउट होता है तो हमें बाहर होना है। ठीक कह रहे हैं जी। बस हमारी इमोशन ना, किस रीजन से अगर वो रहना तो फिर वहां पर रहने कोई पॉइंट नहीं बनता है, पर जो पैटर्न बना है, जो हमारे अपने मैजिक लाइन के ऊपर अब बुलिश पैटर्न है, वो ही मंथली के अंदर है, इज ए गुड स्टॉक टू टेक द एक्शंस। ओके राइट सर, जी सर, बहुत बढ़िया, SBCL। आगे से मनदीप कैसे हो? सर आशीर्वाद है आपका सर। ओके गुड गुड, बहुत अच्छा लग पा रहा है आपको, काफी टाइम बाद देख पा रहा हूँ। जी सर, सर SBCL स्टॉक है, ओके शिवालिक बायोमेटल, SB CL, सी कंट्रोल्स लिमिटेड। या जी सर, जी ओके, देखो चार्ट ही बोलते हैं, अब उस चार्ट को हमने खोला तो हमको क्या नजर आ रहा है? देखो सबसे पहले एक बड़ा फॉल नजर आ रहा है इस पर, देख पा रहे हैं कैंडल का, सर, बिल्कुल सर, और इसको मैंने मार्क कर दिया, प्राइस वहां पे गया, फिर वहां पे फॉल हुआ, देख पा रहे, फिर वहीं से प्रेशर आ रहा है, बिल्डअप हो रहा है, जी यानी सर, कि 690 के आसपास से एक अच्छा प्रेशर बिल्डअप हो पा रहा है, और उसको ड्रैग करके जी यहाँ तक सर, लेके आ रहा है। जो हमारा अपना जो रूल्स है मैजिक फॉर्मूला वाले, मैजिक लाइंस का, वो भी मना कर रहा है अभी, देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर, जी सर, जी सर, तो देखो बाइंग हमारे जो सेटअप है वो मना कर रहा है, तो मना कर रहा है तो हमें अभी जल्दबाजी नहीं करने की है। ठीक है सर, हाँ अगर मैं इसको बाइंग का अगर ढूंढना है, ये 360-80 के आसपास आता है तब उस प्लान करेंगे, यहाँ पर ना कुछ बीच में ना कुछ क्लियरिटी मिल पाए, यहाँ पे एक जो बड़ा कैंडल देख पा रहे हैं ना, जब तक एक बड़ा जी बुलिश कैंडल नहीं बन पाता इसको, इसको एक बुलिश कैंडल नहीं बनता तो यहाँ पर जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है सर, मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग ना चार्ट को ही नहीं ना, सबको समझना भी है उसके साइकोलॉजी क्या है, प्राइस का बिहेवियर क्या चल पा रहा है। मैं क्यों कहता हूँ आपको 100 चार्ट देखने, आप खोल कर बैठेंगे ना तो एक चार्ट को देखेंगे ना कुछ ना फील कर पाएंगे वहां पर क्या मैसेज मिल पा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स क्या बन रही है, कैसे बन पा रहे हैं, क्या कुछ है। देखो आइडिया का ये वैसे हम पहले 40 रुपीज के ऊपर काम करते हैं, पर नहीं, मैं का स्टॉक आया था, मैं उसको रिव्यू कर पा रहा हूँ, इसका 20 का मेरे को टारगेट नजर आ रहा है, 20 रुपीज के टारगेट नजर आ रहा है, और 15 का हमारा सपोर्ट है, यानी कि करेंट रेट यानी कि हमारे को 17 या 16 रुपीज में मिलता है, तो तब उसको प्लान किया जाए। और थोड़ा ये ना इन्वेस्टमेंट एंगल पे ही वर्क करने का, इसमें ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट एंगल पे, क्योंकि इसमें ना एक बड़ा अच्छा फंड्स नहीं होगा अभी, तो जी
जो एक अच्छा फंड है, तो वो ना एक जनरली छोटे वहां पे एक छोटे अमाउंट को यूज करेंगे अगर जाना कोई चाहता है, बेसिकली एक छोटा सा अमाउंट। सर तीन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज है सर, एक विच मैन सर सर ये इसको चैट पे डालना है वीकली सर, में, सर वीकली मतलब में ये आप शायद ट्रेंड चेंज कर रहा है। नहीं इसको ना इसको आप अगर आइडिया को लेना चाह रहे हैं तो ये 16-17 रुपए के बीच में प्लान कर सकते हैं, 20 के टारगेट। गैस अपने साउंड बंद कर लीजिएगा वरना मेरे को करना पड़ेगा सभी का। मंदिर में ये क्या स्टॉक है आपका, इसमें सर यही है डाटा इसमें क्या करना चाहते हो? सर, ये CDSL की तरह मुझे लगा कि वैसा है ये, तो सर वही इसमें देखो सर। ज्यादा इसमें ज्यादा पुराना नहीं है ये, हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। जी सर, इसको सिंपली अगर बाइंग करना है 900 पे आता तभी बाइंग करना है, अभी अभी कुछ नहीं करने का। ओके, राइट सर, राइट सर, नाइन राइट हंड्रेड सर, 950 के आसपास को प्लान करेंगे, वहां पे आता है फिर प्राइस को वहां पे रीड कर पाएंगे हम लोग, देख पाएंगे। राइट सर, राइट सर। सर स्टील अथॉरिटी, ओके सर इसमें ऑल्ट डेटा की जगह ATS की जगह। सर ये 150 के आसपास ब्रेकआउट पॉइंट है इसका। देखो लेफ्ट में देखो अभी क्या मिल पा रहा है, हमारे जो लास्ट कैंडल है उसकी बॉडी देख देख पा रहे हैं? तो ये अभी हमारा बाइंग कैंडिडेट मतलब अभी वो वाला कैंडिडेट नहीं है अभी। ओके जनरली देखो यहाँ पर हमारे ये 142 पर एक अच्छा प्रेशर बिल्डअप हो पाया है, वहीं से दोबारा भी प्रेशर बिल्डअप है 142 पे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इसको टॉप पे ये क्या बना हमारे पास शूटिंग स्टार, यानी कि हम 142 के ऊपर यानी कि 140 के ऊपर क्लोज होते हैं तभी हमें बुलिश मानना है। 150 के ऊपर एग्जैक्टली सर। नहीं है तो अभी अवॉइड करने का, लॉन्ग तो अभी नहीं जाने का, राइट? बस वही है ना, हम लोग चार्ट को देखेंगे उसको वर्कआउट कर पाएंगे तो काफी कुछ मिल पाएगा। चलेगा, बाकी कुछ चार्ट हमें देखने हैं, बाकी आप लोग अपने चार्ट्स बना के भेजेंगे तो हम देख पाएंगे। एक चार्ट मैं और लेना चाहूंगा जिसका अभी तक नहीं लिया गया है। सर रेन इंडस्ट्रीज देख सकते हैं एक बार। ओके, चलिए जाने से पहले रेन को और देख लेते हैं। आशुतोष आपने किस पे और काम किया है? चलो तो रेन है उसमें से एक, और एक आदित्य बिरला फैशन और बचा है। उसको दे देते हैं, जाने दो चार्ट्स को देखते हैं जाने से पहले। आशुतोष इम्प्लीमेंट जब कर रहे हैं तो कैसा फील कर पा रहे हैं लर्निंग के बाद, अच्छा लग कर रहे हैं सर, यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पा रहा है ना? बिल्कुल सर।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वरना हमारे में होता है कि हम कैसे कर पाएंगे, क्या कुछ है, देखो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट बिल्कुल आएगा तो फिर वाओ। देखो कितना बड़ा फॉल हुआ, देख पा रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट 440 से नीचे आ गया, 40 रुपए ओके पर, देख पा रहे हैं 440 से 40 रुपीज पर आ गया, फिर ये पुल बैक हुआ। वाओ ग्रेट। बहुत बढ़िया गाइस बहुत बढ़िया। इसको ना मैं 260 तक देख पा रहा हूँ स्टार्ट में, 240 260 तक के आसपास से, और जो हमारी एंट्री बनती है ओके 1, इसको 186, या हमारे को ना इसको ना जो अपने बैंक को प्लान में 190 से लेके 200 के बीच में, ये हमारे एंट्री पॉइंट होने चाहिए गाइस, 90 से लेके 200 के बीच में, और जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको 180, हम लोग इस कैंडल का लो आ रहा है 178, का हम टारगेट रखे, ये हमारे एंट्री वाले पॉइंट्स हैं। और टारगेट 260 का हम टारगेट रखने वाले हैं, ये भी एक अच्छा स्टॉक है गैस, ये नीचे आता है तो हमें डरना नहीं है, नीचे आता है तो हमें डरना नहीं है, हमारे को उस अपॉर्चुनिटी को उठाना है। जाने से पहले एक लास्ट स्टॉक और देख लेते हैं। आदित्य बिल्ला फैशन, या देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क देख पा रहे हैं आप लोग सभी लोग, एक इम्पोर्टेंट ये पैरामीटर, वहीं से जाकर प्रेशर बिल्डअप हो पाया वापस। यस सर। एक्चुअली कहाँ पे एक प्रेशर है उसको देखना बहुत जरूरी है, बड़ी कैंडल थी वापस वहीं से हमारा प्रेशर बिल्डअप हो पाया। अगर हमको बाइंग का प्लान करना है उसको ना अगेन अगेन हमको 187 के आसपास मिला है मैजिक लाइन, वहां पे आके जो हमारा बाइंग पैटर्न है वो मिलता है तो तब प्लान कर पाएंगे। ओके क्लियर, यस सर। चलिए यस सर, एनएचपीसी चलिए। एक प्लीज, कौन सा मंदिर, एनएचपीसी सर, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन सर। चलो मैं देख रहा हूँ पर कैमरा ओपन नहीं है, वरना देखो नेक्स्ट टाइम सर आप, ओपन सर, थोड़ा सा शेम नहीं किया इसलिए सर, ओपन नहीं किया था सर, ओपन कर रहा हूँ सर। गुड गुड गुड, हाँ ये हुआ ना मतलब, थैंक यू सर। देखो गुड, मैं आपका एक लास्ट वर्ड लेता हूँ, क्या बोला आपने, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी सर। एनएचपीसी सर, ओके आप ही बताओ क्या नजर आ रहा है इसमें। सर बुलिश था सर, डोजी आ गई अब तो। डोजी का मीनिंग क्या है, सर बुल बुल सर बीएस दोनों की बराबर की टक्कर हो रही है, कुछ भी हो सकता है सर। देखो ये 20 रुपए से चल के कहां पे आ गया था,
120 पे सर। या अब ऊपर जाकर डॉजी का मतलब है, यानी जब ऊपर जाता है किसके पास जाता है, बुल्स के सर पास, ऊपर भी बुल्स जी के। सर, लेकिन टॉप जी पे क्या सर, है, इक्वल पावर के बियर्स भी आ गया, जी सर, अब आ गई है। तो अगर हमारे पास बाइंग है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, सेफ्टी बनता है। प्रॉफिट जी सर, जी सर, नहीं लेना तो प्रॉफिट में स्टॉप लॉस तो लगा लो कम से कम। जी सर, तो जी फ्रेश सर, बाइंग तो टोटली अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज में। जी सर, जी सर, अब नजर आ रहा है वो अपने बियर्स आ गए हैं, तो जी हमें सर, प्रॉफिट नहीं लेना चाहते, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाओ, सिंपल सा लॉजिक है। जी सर, जी सर, थैंक यू एक्चुअली सर, हमें किस पे नहीं लेना वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, कहाँ जाना जी है क्यों सर, नहीं जाना वही सारा कुछ आता है। जी सर, थैंक चले गाइस, थैंक्स अलॉट फॉर योर कमिंग। कैसा रहा आज का आप लोगों यू, का सेशंस? फैंटास्टिक सर, थैंक चलिए, थैंक यू, यू सर, थैंक्स अलॉट यार गाइस, थैंक यू सर, सुपर, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट सर, थैंक यू थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू सर।